खबर है सागर के खुरई से, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से देश में चल रहे लॉकडाउन में भूखे असहाय लोगों को भोजन व्यवस्था हेतु भूसा व्यापारी संघ द्वारा 2,12,201 रुपए की नगद राशि एवं 21 क्विंटल गेहूं का दान तहसीलदार संजय जैन को सौंपा। साथ ही फुटकर व्यापारी संघ ने 25 क्विंटल चावल, 5 क्विंटल राहर दाल। कोरोना की महामारी में कुल सामाजिक लोग और हर वर्ग के व्यापारी स्वयं से आगे आकर भूखे लोगों की मदद को प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से तहसीलदार संजय जैन ने भूसा व्यापारी संघ को धन्यवाद ज्ञापित किया। ये भूसा वालों ने आपको ये दान दिया है सर? ये जो अभी माननीय विधायक जी के तत्वाधान में जो विधानसभा क्षेत्र खुरई के जो गरीब असहाय और जो भूखे लोग हैं उनके लिए खुरई के नगरवासियों द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में काफ़ी सहयोग किया जा रहा है, उसी तारतम्य में हमारे भूसा मंडी व्यापारी संघ के द्वारा 2,12,201 रुपए का सहयोग राशि दी है इस प्रयोजन के लिए। हम लोग उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। व्यापारी संघ से आप? किराना व्यापारी फुटकर व्यापारी संघ से। आपने दान देने आए आप जी? क्या दान दिया आपने? चावल 25 क्विंटल, राहर दाल 5 क्विंटल। किस पर्पज से दिया ये दान? कोरोना आपदा के लिए जो भी फंसे हुए हैं गरीब लोग, यात्री लोग, उन लोगों के भोजन व्यवस्था के लिए, और आगे भी अगर कोई समस्या होगी तो किराना व्यापारी फुटकर संघ आगे भी दान देगा। सागर के खुरई से करता सिंह यादव की रिपोर्ट।